नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुनील गोस्वामी डेली करंट अफेयर सेशन 19 फरवरी 2018 का करंट अफेयर का वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम डेली न्यूज़ अपडेट्स, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं 19 फरवरी के, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो का जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो दोस्त पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिस सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इससे पहले आपने 1 से 18 फरवरी तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड बन रहा है। तो देखिए, भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIEST है जो, वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 4 मार्च को D.Litt की मानद उपाधि से सम्मानित करेगा। देखिए, दिसंबर 2017 में जो जादवपुर विश्वविद्यालय ने D.Litt की उपाधि दी थी किसको, प्रणब मुखर्जी को। तो अब जो IIEST है वो इस 4 मार्च को है, वो प्रणब मुखर्जी को इस पद से सम्मानित करेंगे। अगला देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय केला मेला। देखिए, राष्ट्रीय केला मेला 2018, इसका आयोजन है वो तिरुवनंतपुरम केरला में किया जाएगा। ओके, आगे देखिए, भारत ईरान 9 समझौते। देखिए, भारत और ईरान के बीच है वो 9 एग्रीमेंट साइन हुए, 9 समझौतों पे ज्ञापन हुआ है। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं। कौन कौन सा, चाबहार जो पोर्ट है के पहले फेज हेतु समझौता हुआ है, चाबहार पोर्ट के पहले फेज हेतु एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों देशों के बीच डबल टैक्सेशन हेतु समझौता हुआ है, आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है, कृषि के क्षेत्र में समझौता हुआ है, पोस्टल सहयोग के लिए MOU साइन हुआ है और प्रत्यर्पण संधि को लागू करने हेतु एग्रीमेंट साइन हुआ है। और लास्ट क्या है, मेडिसिन क्षेत्र में, जो दवाइयों के क्षेत्र में भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये 9 एग्रीमेंट थे जो भारत और ईरान के बीच हुए। आगे देखिए दोस्तों, हाइपरलूप परियोजना। देखिए, मुंबई पुणे को हाइप लूप से जोड़ने हेतु 18 फरवरी 2018 को जो वर्जिन ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार में एग्रीमेंट, किसे, जो वर्जिन ग्रुप है और महाराष्ट्र सरकार, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किसे, हाइपरलूप परियोजना के अंतर्गत 18 फरवरी 2018 को। हाइपरलूप शुरू होने से मुंबई पुणे की दूरी है वो 14 से 24 मिनट में तय की जा सकेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान सेकेंड। अब देखिए, अप्रैल 2018 में चंद्रयान सेकेंड का दूसरा मिशन शुरू किया जाएगा। चंद्रयान सेकेंड मिशन की कुल लागत है वो 8 अरब रुपये होगी। कितनी होगी लागत, 8 अरब रुपए चंद्रयान सेकंड के लिए। आगे देखिए दोस्तों, एलेक्स ब्लैकवेल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर उप कप्तान एलेक्स ब्लैकवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। तो किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, देखिए, महिला क्रिकेटर उप कप्तान रही है एलेक्स ब्लैकवेल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। लास्ट पर्सन है हमारा, द डेयरी ऑफ डोमेस्टिक दिव्या है जो, तो द डायरी ऑफ जो डोमेस्टिक दिवा है वो किसकी ही पुस्तक है, लिखी कौन है, शिल्पा सेठी। तो शिल्पा सेंडी सेठी है, उसने पुस्तक ली द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिव्या। ओके, तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था 19 फरवरी का। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। प्रणब मुखर्जी को जो IIEST है वो कौन सी, D.Litt की उपाधि से सम्मानित करेगी। राष्ट्रीय केला मेला है वो तिरुवनंतपुरम केरला में आयोजन। भारत ईरान के बीच में 9 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। हाइपरलूप परियोजना मुंबई और पुणे के बीच जोड़ी जाएगी, जिसमें मुंबई से पुणे की दूरी 14 से 24 मिनट में तय की जा सकेगी। चंद्रयान सेकंड अप्रैल 2018 में इसका मिशन शुरू किया जाएगा, 8 अरब रुपये इस पर लागत आएगी। एलेक्स ब्लैकवेल उप कप्तान ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर, उन्होंने संन्यास की घोषणा किया। द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिव्या है, ये पुस्तक की लेखिका शिल्पा सेठी। तो दोस्तों, यह हमारा करंट अफेयर था। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। आपको अच्छा लगा तो धन्यवाद।